हेलो एवरी वन वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ़ डिज़ाइनिंग अलाउड आवर पोडकास्ट अबाउट डिज़ाइन तो कुछ दिन पहले मैं और तनुजा बात कर रहे थे और मुझे पता चला कि तनुजा का बैकग्राउंड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसने पहले आर्ट्स किया है बेस्ट ऑफ़ फ़ाइन आर्ट्स दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट्स से और फिर वो डिज़ाइन करने आए हैं यहाँ पे okay. कॉलेज ऑफ़ फाइन आर्ट्स में उसने कॉर्स अप्लाइड आर्ट्स किया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी और गेस्ट को बुलाने के बजाय है, आज हम तनुजा के बारे में ही जानेंगे ताकि जो हमारे दोस्त लोग हैं हमारे जो श्रोता लोग हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनको काफ़ी हेल्प होगा इस चीज़ का वैसे ये एपिसोड तो सभी के लिए होगा सभी लोगों को इस इसमें से कुछ न कुछ तो अच्छी चीज़ें कुछ न कुछ अच्छे इंसाइट्स तो मिलेंगे लेकिन आ, हम शुरू करते हैं तनुजा क्योंकि ये पॉडकास्ट आज आपके बारे में है मैं आज जानना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा था नेशनल एन ऑफ डिजाइन में ग्राफिक डिजाइन के ब्रांच में एंट्री कैसा हुआ हाय कृष्णा थैंक यू फॉर द थिंग इज कि मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट से अप्लाइड आर्ट किया तो मैं अप्लाइड आर्ट इसलिए गई थी क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा सीट्स होते थे तो वहाँ प्रॉबेबिलिटी टू तो गेट एन एडमिशन वॉज मोर देन एनी अदर स्ट्रीम ऑल्सो अप्लाइड आर्ट में ये होता था कि हमें सिखाए जाते थे थो थोड़े डिजिटल थो काम भी तो ग्राफिक डिज़ाइन को हम नहीं बोलते थे स्पेसिफिकली हम उसको डिजिटल काम बोलते थे अच्छा तो डिजिटल मतलब पोस्टर्स बनाना और ये सब करना कंप्यूटर चलाना हाँ। और फोटोशॉप भी मैंने चलाना शुरू करा मेरे सेकेंड ईयर में और वो भी हम बहुत ऐसे मतलब कुछ भी चलाते थे इलस्ट्रेशन नहीं होती थी मोस्टली उसके ऊपर फोटो डाल दिया फॉन्ट का कुछ सेंस नहीं था ठीक था मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था बट अ फ्यू ऑफ माई सीनियर्स were फॉर एन आई डी तो उस टाइम पर एन आई डी का हल्का 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 क्रेज आने लग गया था सब लोग को बात करते थे, सब लोग ये बात करते थे कि प्रिपेयर कैसे कर मैं सब लोग बात करते थे अच्छा इसका नहीं हुआ इसका हो गया hmm. तो मुझे ये पता था कि हाँ इसका हो रहा है इसका नहीं हो रहा है बड़ी जाए की हाँ हाँ बट ये नहीं था ये नहीं पता था मुझे कि अच्छा वहाँ पर होता क्या है तो हुआ क्या के मेरे कुछ थे, वो थे और जब मेरी बारी आई जब मैं फोर्थ ईयर में गई तो मुझे आइडिया था कि क्या होता है तो कुछ लोगों ने बोला हम भी पढ़ रहे तुम भी पढ़ दो क्या होता है? हाँ। मनत थी, कि थी क्योंकि मैं सेकंड ईयर से ही फ्रीलांस कर रही थी तो मैं कॉलेज में चाहे कुछ भी बना रही थी डिजिटल के नाम हाँ। पे बट मार्केट में प्रोडक्ट्स बनाने लग गई थी तो आई फेयर अइडिया ऑफ हाउ विजुअल

हम लोग स्ट्रैटेजी करते हैं बट वो भी सर मुझे बाद में एन आई टी आदमी एन के आने में समझ आया कि नहीं वो भी नहीं है ऐसा नहीं। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है स्ट्रैटेजी के लिए आप ऐसे ही नहीं कर सकते तो Strategy माने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखना कि मार्केट ब्रांड से कर रहे हैं और फिर स्पेशली मार्केटिंग में अगर हम किसी स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ पे बजट का स्ट्रेंथ बहुत होते हैं तो वो तो कॉलेज में नहीं पता होता तो कॉलेज में फोर्थ ईयर में कोई बच्चा जाके एल ई पैनल लेकर आके प्रेजेंट करने लग जाता था अपना पूरा काम mm -hmm. तो ऐसा लगता था वाह उसने तो टीवी बना दिया। mm -hmm. man, mm -hmm. तो करना, उस पर ध्यान देना करना, mm -hmm. करना, फिर बनाना वो मैंने एन आई में आके सीखा है ये जो नेशनल आप आपने कोर्स किया आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आलत है क्योंकि ये भी तो एक तरीके से

तो इनके बारे में आपको आर्ट्स कॉलेज में तो सिखाया ही होगा फिर आपने ये डिसाइड क्यों किया कि आपको फिर वापस से यही चीज़ें सीखनी हैं डिज़ाइन करने लिए के लिए ग्राफिक एन आई में आके हाँ तो सी एक होता है कि मैं मुझे किसी ने पेंट करना सिखा दिया मुझे किसी ने बता दिया कि हाँ ये पेंट ऐसे होता है और ये अगर मैं बनाऊंगी आई वॉज वेन आई वॉज डूइंग माई फाइन आर्ट जर्नी आई वॉज ड्रॉइंग रियलिस्टिक फिगर्स आई कैन राइट नाउ मे कैन पोर्ट्रेट पेंट एनी थिंग एट एनीट इज कैप्टन फॉर डॉफरी क्योंकि मेरी वो ट्रेनिंग हुई है mm -hmm. वहाँ पर मैंने अपने स्किल्स डेवलप करे मैंने चार साल में अपने स्किल्स डेवलप करे और मैं बोलूँगी कि मैंने दो साल में अपना थाट प्रोसेस डेवेलप करा और अपना टेस्ट डिवेलप किया है mm -hmm. तो ये एन आई डी में मैंने सीखा है तो mm -hmm. ऐसा नहीं है कि मैंने वो छोड़ दिया mm -hmm. वहाँ मेरे अपने स्किल्स पर काम करे यहाँ पर मैंने अपने थाट प्रोसेस और mm -hmm. बाकी चीज़ों पर काम किया तो ये जो आपका ग्रोथ हुआ है तो मुझे दो एग्जाम्पल्स दे बताओ अगर आप दे सकते हो तो मतलब एन के पहले आने एना आने के पहले आप जो प्रोजेक्ट्स करते थे फ्रीलैंसिंग में भी प्रोजेक्ट्स करते थे और अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स करते हो क्लासरूम प्रोजेक्ट्स वगैरह इन सब दोनों प्रोजेक्ट्स में प्रोसेस का कुछ तो डिफरेंस हुआ ही होगा मेजर डिफरेंस आपका ग्रोथ हुआ है तो, तो आप पहले आप कैसे अप्रोच करते थे और आप प्रोजेक्ट को अप्रोच कैसे करते हो आप और प्रोजेक्ट अप्रोच करने के बाद में आप उसमें का रिसर्च आइडियस एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और ये सब आप किस तरीके आपने बटीश? बोल तो दिया आप सब यही होता है नहीं बट इसको अप्रोच किसी किया जाता है ये तो सिर्फ टाइटल्स हुए हैं बट इसमें करना क्या होता है ये आप कैसे डिसाइड करते हैं देखो आप कोई भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें रिसर्च लगती ही है और जो जैसे आप कॉलेज ऑफ आर्ट में नहीं करती थी तेरे शायद आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल बट कॉलेज ऑफ आर्ट में वीज टू फोकस कि सुंदर दिखना चाहिए सुंदर दिखना चाहिए ठीक uh -huh. है तो मुझे ब्रॉडर सेंस ऑफ पता था कि ये रेपिड डिजाइन होता है बट मेरे को एंड में ऐसा होता था नहीं ये सुंदर होना चाहिए वट अबाउट हाउ अमंग्स ब्यूटिफुल पोस्टर्स एक अगली पोस्टर है आपको उस पर ध्यान जाएगा uh -huh. तो वो समझना कि नहीं अगली भी बना रहे तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए uh -huh. अगर मैं पिंक और ब्लू उसके बीच में तो uh -huh. ब्लैक डाल दूंगी तो विल इट शाइन बट ऑल्सो एन आई डी में आने के बाद मेरा प्रोसेस जो होता है इट्स ऑल्सो मोर विजुअल लाइक आई एम ऑलवेज नोटिसिंग फॉन्ट्स आई एम ऑलवेज नोटिसिंग कलर्स आई एम ऑलवेज नोटिसिंग लोगों ने अपनी ब्रांडिंग कैसे करी है अगर मैं किसी प्रोडक्ट पर काम कर रही हूँ mm -hmm. तो मेरा विजुअल सेंस में ज़्यादा वो रहता है कि नहीं मुझे अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है यहाँ पे ही हो रहा है नाउ दैट आई एम वर्किंग ऑल्सो एज एन विद माइक्रोसॉफ्ट अब मेरा जो ध्यान जाता है वो जाता है कि अगर मैं कोई ऐप यूज़ कर रही हूँ

जब रिसर्च हो गया आपको सेंस बना लिया आप समझ में आ गया कि क्या डिज़ाइन करना है उसके बाद में आप जैसे आपके मैंने डिज़ाइन देखे हैं तो उसमें जिस तरीके के आइडियाज़ आप लेके आते हो तो वो कैसे आते हैं वो आइडियाज़ आप कैसे सोच लेते हो कि मेरे को इस डिज़ाइन में ये करना है उस डिज़ाइन में वो करना है और इससे ही एडिशनल पॉइंट आप बोल रहे थे कि चीज़ों को सुंदर बनाना आता है तो ये सुंदरता कैसे सुंदर कैसे बनाते हैं चीज़ों को मुझको तो नहीं आता है सुंदर बनाने के लिए तो वही ना कि सुंदर के लिए आपको सुंदर चीज़ों को देखना पड़ेगा uh -huh. आपको देखना पड़ेगा अच्छा इस आर्टिस्ट ने ऐसे किया है uh -huh. ये कलर से ये फील होता है इस कलर से ये पावर आती है ये आप फॉर्म यूज करोगे तो ये कम्युनिकेट हो जाएगा uh -huh. तो आपको स्टडी करना पड़ता है ऑल्सो मी कमिंग एट माई डिजाइन इट लाइक इट डेफिनेटली डिपेंड्स अ वॉट ऑन दी फीडबैक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉलेज में कोई असाइनमेंट है बिफोर गोइंग टू माई सेक्यू आई विन टॉक टू माई फ्रेंड आई विन आस्क इन कैसा रहा है आई विन आस्क यू आई डू आस्क यू आर नॉट कैसा रहा है राइट तो जो फीडबैक होता है ना उससे मुझे समझ आता है मतलब यार मैं नहीं बोलना चाहती कि मैं अच्छी रिजाइनर हूँ या मैं अच्छी डिजाइनर हूँ मैं चाहती हूँ वो लोग मेरे को पता है मेरा डिज़ाइन अच्छा है तो वो अच्छा है मतलब सेल्फ ग्रोप ये बन के कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम डिज़ाइन तो दूसरों की नज़र रहे हैं ना तो वो है जी आप बता रही थी कि कि सुंदर 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 से सुंदरता होता है है तो कौन सी चीजें होती हैं कैसे माना जाए है और जो आपको अच्छा लग रहा है 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 वो आपके लिए सुंदर mm -hmm. कुछ भी हो सकता जो मेरा टेस्ट है वो किसी और का टेस्ट नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं बनाना है या सी एंड एवरी आर्ट इज हमने कहीं से पिक किया है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ राइट right? hmm. तो मेरे लिए सुंदर हुआ है आपके लिए वो सुंदर होगा आपको सुंदर लगता है, आप है। hmm. बट आपके लिए वहां पहुंचना कि जो आपको सुंदर लगता है वैसा बना पाओ hmm. तो नर्मिंग also, हाँ वही जो लर्निंग है वही ग्राफिक डिजाइन है ऑल्सो आपकी ऑडियंस उससे वही ये समझेगी मेरे को सुंदर लग रहा है वो ठीक है पूछ के लेकिन सबको भी तो सुंदर पूछ के अब जैसे मेरा एक फ्रेंड है मैं उसको दिखाती हूँ तो वो ऐसा है तनुजय ने तो बहुत टट्टी लग रहा है mm -hmm. तो बोलती हूँ हाँ mm -hmm. मतलब, के तो mm -hmm. वो टट्टी मतलब बिलीविंग कि नहीं तुम्हारी जो सेंस है वो परफेक्ट मतलब डेवलप ही करनी है ना mm -hmm. मैं कैसे बोल दूँ कि हाँ मेरा डिज़ाइन सबसे अच्छा है mm -hmm. अगर मैंने चार लोगों को दिखाया फ्यू टेन मिनट देट माई डिज़ाइन इज नॉट गुड mm -hmm. दे आई विल बी लाइक येस एंड स्पेशली एन आई में आने के बाद मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ टाइपोग्राफी मतलब मेरे इसमें अच्छा नहीं है टाइपोग्राफी सेंस ऑफ फॉर्म्स

और ये ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दूसरों को बोलने के लिए बोल रही हो आप खुद समझो और फिर खाली घड़े के साथ दूसरों के पास जाओगे तो वो जो फीडबैक आएगा वो है एंड मैंने नहीं बोलो भी मैं परफेक्ट हूँ मैं पर बहुत गुस्सा आ जाता जब कोई मैंने बहुत मेहनत किया वो तो कोई कहते मुझे बोलते गंदा है पर ठीक है यार मतलब अगर मैं फूल के साथ काम कर रही थी एंड मैंने कुछ पैकेजिंग बनाया और अगर मेरे बॉस को अच्छे नहीं लगे मेरे क्लाइंट को अच्छे नहीं लग रहे तो मार्केट में ही नहीं जाएंगे ना वो मुझे पैसे तो दे देगा पर वो मार्केट में नहीं जाएंगे तो सर क्या फायदा मेरे डिजाइन करने का अच्छा अच्छा आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो आप सुंदर चीजें खरीदते हो या सस्ती चीजें खरीदते हो मैं सुंदर सस्ती चीजें खरीदती हूँ ऐसे काम मिलते हैं मिलता है क्यों नहीं मिलता आप नजर नजर की बात है ना सुंदर मेरे लिए है हो सकता है जो मैं अभी गंदा सा कुछ पहन के आ जाऊँ आपको अच्छा नहीं लग बट आई फीलिंग गुड इन इट डिजाइन इज वेरी सब्जेक्टिव अच्छा आप बता रहे थे कि आप फ्रीलांस काफ़ी करते हो और फ्रीलांस में आपने आपने, आपने आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप किया है और ओवरऑल ग्रेड ऑफ टाइम आपने आपका फ्रीलांस का गेम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आप उसको ऊपर लेके आए हो इसके बारे में कुछ बताइए ना ये कैसे करते हो आप कैसे मैनेज एक टाइम कैसे मैनेज कर लेते हो और काम ढूंढते कैसे हो तो सी इज फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको भी ऐसा लगता है कि उसको ग्राफिक डिजाइन करना है mm -hmm. तो पहले तो बनाना शुरू कर दो फॉर जैसे मैं शुरू में, में ना मेरे को इलस्ट्रेशन बनाने का बहुत शौक था mm -hmm. तो मुझे मतलब मेरा एक सपना था कि मैं बुक इंस्ट्रेशन करूँ mm -hmm. तो मैं एक YouTube वीडियो देख रही थी, थी एक आर्टिस्ट की एंड उसने बोला इफ यू आर नॉट गेटिंग क्लाइंट्स देन बी योर ओन क्लाइंट सो स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ सम प्रॉम्प अच्छा जैसे अभी मैं देख रही थी एक और लड़की है जो शार्प टैन पे जो गंदे गंदे लोगों लोग बोलते हैं कि आपका ब्रांडिंग अच्छा नहीं है तो वो उनको पकड़ के अब अच्छा बनाती है और फिर उसका रील डालती है तो रील डाल के लोगों को समझ आता है उसका पोटेंशियल तो अब मेरे टाइम पर तो ये नहीं था इंस्टाग्राम वगैरह बट वन थिंग दैट आई वॉज ऑलवेज डूइंग वॉज वर्किंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो एम वेरी अपॉर्चुनिस्टिक मतलब मेरे पुराने वाले घर के नाइन नॉट को पता है कि मैं डेफरिट डिजाइन करती अच्छा right. मतलब मैं नहीं छुपाती हूँ मैं लोगों को अपना पैकेजिंग दिखा देती हूँ मैं लोगों को बताती हूँ आपने वो ब्रांड देखा है वो मैंने बनाया hmm. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो मेरे काम नहीं आएगा पर कर्ण को उसे उसका कोई दोस्त होगा उसको जरा तो भी तो वो मेरा नाम देगा तो आई एम वेरी ऑपरचुनिस्ट इन दैट मीन आई डोंट हाइड आई आई एम नॉट लाइक कि कोई मुझे पूछो तुम क्या करते हो तो वो कई डिजाइनर्स के अंदर ये होता है ना कि या मैं बनाता हूँ कुछ तो मतलब क्योंकि आपको लगता है यार उनको कौन समझाए बैठ के बट ओके ऑनसो लकीली मेरा एक ब्रांड के साथ अच्छा काम हो गया है तो उस काम को देख के लोग मेरे पास आए हैं काफी ज्यादा और फूल एक शुरुआत थी फूल है अभी भी और अच्छा काम रहता है बट देन और ब्रांड उसको देख देख के आने लग गए टॉक अबाउट योर वर्क एज मच एज यू कैन एंड डो नॉट लूज आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज कि मुझे पैसे अभी थोड़े कम लग रहे हैं शुरू करने के लिए अभी भी अगर मेरे पास लाइक सिंस द मनी इज ऑल्सो सॉर्टेड विद और इफ़ दैट आई एम गेटिंग अभी भी अगर अभी मेरे पास जब ब्रेक, ब्रेक है मेरे पास कोई कंपनी आएगी जिसका मुझे नहीं हो कि ओ अच्छा इनको ज़रूरत है डिजाइन की और मुझे मजा आएगा करके तो मैं कर लूँगी एंड आई विल नॉट लाइक आई विल टॉक अबाउट इट टू एनी वन तो दैट इज इम्पॉर्टेंट जी जब सिचुएशंस uh, ऐसी आती हैं कि आपको उतरना पड़ता है मैदान में अपने लिए उतरना पड़ता है तो फिर आ जाता है फॉर एग्जांपल आई हैड टू स्टार्ट मेकिंग मनी व्हेन आई वाज इन कॉलेज बिकॉज एनी वे जो कॉलेज ऑफ आर्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है hmm. and and थोड़ा सा था कुछ सरकम बट आई है हाँ सिर्फ ग्राफिक ग्राफिक डिजाइन से पैसे कमाना ना लगता है कि इजी है बट नहीं है क्योंकि लोग या पाँच सौ में भी लोगों बनवाने आ जाते हैं तो है ना तो उसके लिए मैंने क्या करा मैंने एक फॉर्मानेंट टाइप का सोल्यूशन ढूंढा जो था होम ट्यूशन और ग्राफिक डिज़ाइन में कर दी थी क्योंकि ब्रांड अच्छी क्योंकि काम अच्छा है क्योंकि मेरे को मजा आएगा राइट बट फिर धीरे 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 मैंने जो मेरा काम है जो मेरा पैशन है उसको मैंने आगे लेके करा बट साइड असल होना कोई बुरी बात नहीं है मतलब आप ये नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ ग्राफिक डिजाइन करूँगी और पैसे कर hmm. साइड एक कुछ होना hmm. चाहिए मतलब तो तो hmm. uh, hmm. मैं कोशिश करती हूँ और मुझे कोई भी आके कभी भी बोलता है कि, ओ, तुमने वो फोन का रेगुलर वाला जो उनका रेंज है वो तुमने बनाया मैं आई टॉक अबाउट माई वर्क बट आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ कि नहीं ये मैंने नहीं बनाया hmm. और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आके मुझे बोलते हैं वो फ़ोन का पैकेजिंग अच्छा हुआ था फिर वो मुझे वो वाला दिखा देते हैं जो बना हुआ है hmm. पर वो मेरा नहीं है यार मैं क्यों बात करूँ उसके बारे में hmm. बट जो मेरा काम है मैं उसके बारे में बात करूँगी क्योंकि अच्छा है बुरा है मैंने किया है मुझे पैसे नहीं हैं hmm. और वो मार्केट में दिया है hmm. तो हार

एंड uh, बस हाँ ये है कि मैं बहुत मतलब लर्न कर लेती हूँ कि हाँ अभी mm. उसने ये करा है तो अब आगे के टाइम पे नहीं करना है ये चीज़ mm. तो सी क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो आपको करेंगे आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे एंड आई थिंक इट्स ओके तुमने भी कुछ ज़िंदगी में उखाड़ा नहीं जो कोई तुम पे ट्रस्ट करे ठीक mm. है तो बींग इन अ स्पेस कि नहीं अगर कोई अगर आपने जैसे दस हजार का प्रोजेक्ट करा है और मैं आपको बोलूं कि नहीं यार मैं तो ना अभी सिक्सटी परसेंट फ्रंट लेती हूँ क्योंकि मैंने चार साल फ्री लांस करा है तुमको अभी एक साल भी नहीं हुआ है देन यू विल टेक ट्वेंटी परसेंट ऑफर राइट एंड देन प्रोवाइड योर वर्थ एंड देन अदर पर्सन विल ट्राई टू पे यू ऑल्सो हर चीज़ प्रोफेशनली हैंडल करना मेल्स पे रखना mm. या फिर मैं सच बताऊँ तो मैं अभी मैंने भी सीखा है मैंने भी बहुत काम किया है ऑलमोस्ट mm. फ्री में ठीक mm. है यार मतलब चलता है भाई आपका हम काम करने आए हैं धीरे 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 लर्निंग सबको आ जाती है hmm. बट आपने सीनियर से बात करना hmm. जैसे मेरी एक सीनियर hmm. है शुभांगी आई शी वॉज डूइंग थ्री लांच में ऐसे बहुत पहले उनको उस टाइम पर भी चार पाँच साल हो गए थे तो जब मुझे शुरू करना था तो स्पोक टूअ कि आप कैसे करते हो आपका कैसे कम्युनिकेशन होता है बट इन दी एंड योर क्लाइंट जैसे मेरे जो क्लाइंट्स हैं hmm. वो मेरी फैमिली जैसे हैं hmm. वो मुझे कभी भी बोल देते तनुजा ये चेंज चाहिए ये करना है

बस कई बार ऐसा रहता है कि थोड़ा डिसिप्लिन hmm. जब आप पैसे कमा रहे हो जब आप किसी को आंसरेबल बोलो तो थोड़ा डिसिप्लिन अगर hmm. लाइफ में आ जाए तो हाँ अच्छा रहता है मतलब मैं क्योंकि मैं पैसे लेती हूँ तो मैं तो ऐसी हूँ कि एक दिन में मुझे लेट हो तो आई विल इनफॉर्म एटलीस्ट माई क्लाइंट डेट आई एम नॉट देयर और मैं नहीं कर पाऊँगी बट येस फेलो डिजाइनर्स के साथ जैसे तुम्हारे साथ भी जब मैं काम करती हूँ तो मेरा काम आसान हो जाता है क्योंकि सी मोर देन डिजाइनिंग आपको चाहिए कि कोई आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटे आपके साथ थॉट प्रोसेस में कॉन्ट्रीब्यूट करे कोलेबोरेट करे नहीं। ऐसा नहीं होता कि तुम सोचो बेकार बहुत क्रिएटिव क्रिएटिविटी जिम्मेदारी है क्रिएटिविटी दो हफ्ते की है रिसर्च एक हफ्ते की क्रिएटिविटी उसके बाद दो हफ्ते की बट क्लाइंट को डिलीवरेबल अच्छे से पहुंचा नहीं पहुंचा डायलाइन में गड़बड़ है उसने जो सैम्पल किया वो ठीक नहीं है प्रोजेक्ट चलता है एक महीने का होता है ना अगर आप अच्छे डिज़ाइनर हो तो आप ऑनरशिप जो डिजाइन किया है वो अच्छे से प्रिंट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो इंपॉर्टेंट है? Mm -hmm. professional, है जैसा लेकिन हम ऐसा अफसर देखते हैं कि लोग जैसे बात करते हैं हम डिजाइनर से आपस में बात करते हैं तो हम काफी ज्यादा बिजनेस एस्पेक्ट्स को और प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को

क्योंकि मेरा मेरे को इस ट्रिप पे जाना है और मैंने कर, मैंने कपड़े ले लिए मैं डेतवार में जाके पाँच हज़ार के, के शॉपिंग करने है कि मुझे दो दिन बाद पैसा आना है तो जब वो पैसा हटाता है ना तो आपके पास पैसे भी नहीं हैं तो वो जो लर्निंग है वो एक है कि वो जब मार्केट में जाओगे तभी आपको आएगा आप दो बार करोगे तीन बार करोगे आप अपने आप सीख जाओगे अगर आप टाइम पर काम नहीं दोगे तो आप भी ये नहीं पूछ सकते कि मेरे पैसे आए हैं या नहीं आए हैं तो वही है कि यू हैव हाँ टू ओन ना मतलब क्रिएटिव ब्लॉक और उस टाइप की चीजें जहाँ पे हम बोलते हैं कि आज मूड नहीं हो रहा काम करने का या आज कुछ निकल नहीं रहा अंदर से ये क्या सच होता है क्या ऐसा होता है क्या कि डिज़ाइन करने के लिए क्रिएटिविटी ये सब चीजें ऐसा चाहिए या ऐसे कुछ चीज़ें होती जहाँ पे आप बोलते हो कि आज नहीं मन कर रहा या दो तीन दिन बात करेंगे जब मेरे को अंदर से इंस्पिरेशन आएगा काम करने के लिए यार मैं ऐसा मानती हूँ कि हम जो डिजाइनर्स है ना हम दिल से आर्टिस्ट हैं और हमारे पेरेंट्स ने हमको उभरने नहीं दिया नहीं। शुरू के जब हम चार साल के थे या पांच साल के थे कई लग गई बट हमें उभरने नहीं दिया नहीं। जो 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 आर्ट है ना वो आपके अंदर से नहीं मनता है चाहे आप क्रिएट मतलब वाई डू यू वॉन्ट टू क्रिएट सम ब्यूटिफुल वाई कान जस्ट क्रिएट

और जब तुम अपना जो अनकॉन्शियसनेस है उसे जब तुम क्रिएट करते रहोगे ना mm. कुछ भी है mm. हमारा काम है क्रिएट करना right. जैसे मेरी एक वही शुवांगी जो है उसने एक बार एक चीज बोली थी टेक केयर ऑफ द क्वांटिटी एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ द क्वालिटी हमारा तो काम करना काम है ना mm. और क्वालिटी तो धीरे धीरे काम करके टेस्ट डेवलप होगा और कुछ पचास एक्सप्लोरेशन करते तब एक अच्छा आइडिया आता है क्या ये बात सच है कि हम और हम जैसे कई सारे लोग आ, आलस को क्रिएटिव ब्लॉक में डिस्कस करके पेश करते हैं यार मैं वो नहीं बोलूंगी मैं किसी के मतलब आई डोंट थिंक आई शुड से एनी अबाउट एनीवन वन इट जस्ट दैट के लोगों को ना क्रिएटिव फ्रीडम नहीं समझ आती है hmm. लोग खुद को भी जज करते रहते हैं hmm. यार मैंने ये बनाया अच्छा नहीं बनाया hmm. अरे भाई बनाओ फिर तो देखते हैं ना तुम मतलब जो अभी मेरा जो इंस्टाग्राम पे इलस्ट्रेशन स्टाइल है दैट इज नॉट वट माई पोटेंशियल इज डोंट आई कैन ड्रॉ यू एनी वन रियलिस्टिक कोई भी mm -hmm. है वो मेरा पोटेंशियल नहीं है मेरा आर्ट का बट वो मेरा एक्सप्रेशन है और आपको अच्छा mm -hmm. लग रहा है तो बस ठीक है mm -hmm. तो मैं ये नहीं सोचती कि यार आज अच्छा नहीं बना या नंदा नहीं बना mm -hmm. जिस दिन मुझे बनाना है जिस दिन मेरा मूड है उस दिन एक mm -hmm. और वो बनता है तो फिर ये जब आप पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे तब आपको क्या परफेक्शन प्रेशर या परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता कि भाई आप डाल रहे हैं तो एकदम उसको तराश के एकदम सही बना के ही डालना है नहीं मेरे को नहीं होता मैं तो अभी भी हमने कहा किसी इक्विपमेंट में इन्वेस्ट एक पॉडकास्ट के लिए भी राइट तो भाई मेरे को नहीं फर्क पड़ता है और मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ता है वो ये रीजन है कि मैं हमेशा एक्सप्रेशन में मानती हूँ डालू मतलब मैंने तो ऐसा बहुत बहुत मैं मैं सोचता हूँ कि कुछ चीज़ मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा इंस्टाग्राम पर डालूंगा मेरा कुछ आर्ट वर्क या डिजाइन वर्क और फिर मैं सोचता हूँ कि ये ये अभी उस लेवल पे बना नहीं है इसको थोड़ा और काम कर लूँगा तो फिर डाल दूंगा लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं है तो हम जैसे लोगों के लिए मेरे जैसे लोगों के लिए मेरे जैसे, लिए, मेरे जैसे सोच रखने वाले लोगों के लिए आपके लिए कुछ एडवाइस है तो यार देखो मेरे को ना मैंने ये ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सीखा है कुछ बट मेरे आर्ट जर्नी में ऐसा हुआ है अब मेरे पास ना जब से मेरे इंस्टाग्राम का हमको तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं बोलिए कि हमें आपका सर्विसेज चाहिए राइट एंड hmm. वो जो सर्विसेज है ना कोई मुझे फ़ोन का डब्बा भेजता है विच इज़ वेरी क्लोज टू परफेक्ट कोई मुझे मेरी बहुत रफ सी ड्रॉइंग भेजता है कि हमें ये इस टाइम चाहिए hmm. तो आप मत डिसाइड करो अगर आप काम डाल रहे हो कि आपके पास और काम आए या फिर आप काम डाल रहे हो कि लोगों को फील हो hmm. तो मेरे कुछ ड्राॅइंग है जो इतने लाइक्स नहीं मिले इतने परफेक्ट नहीं है बट जिसको फील होना था हो गया hmm. तो वाई डायट पीपल जज ना इफ यू टू डू देंटेन जर्नर कर रहे हो hmm. hmm. उसको तो फिर बी देर ना इट्स योर सीक्रेट बट वाई आर यू स्टॉप वर्किंग स्टॉपिंग टू ड्रॉ सोशल मीडिया को जर्नल बोल के यूज कर सकते हैं हाँ डेफिनेटली आते हैं कि मुझे भी ड्राइंग uh, शुरू करना है डिजिटल ड्राइंग शुरू करना है, मीडिया को करता है मेरे जैसे और आप हो जो सोशल मीडिया को अपने हिसाब से यूज करते हो हाँ पर एक लेवल आएगा जब सोशल मीडिया मुझे यूज करने लग जाएगा जब मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे तो मेरे पास एक प्रेशर आएगा मेरे को अभी डिलीवर करना है तो मैं बहुत कंटेंट हूँ हाँ। और बहुत ऑर्गेनिक ग्रोथ है मेरे को ब्लैक अच्छा लगता है जब सेवस देखती हूँ मैं हाँ। तो हाँ मतलब अच्छा है स्लो है सिंपल है ग्रो करना है अमेक अमेक तो आप थी। हाँ थी वो बहुत सारी हाँ। क्यों नहीं खुद को नहीं रोकते हो देखने क्यों रोकना मतलब, है मतलब ठीक है ना यार वहाँ से भी तो आइडियाज आते हैं अब मेरे को जैसे मैं घर पर अकेली रहती हूँ जब मैं वर्क फ्रॉम करती हूँ तो मुझे भी चाहिए ना कि हाँ यार मतलब मुझे भी अच्छा फील करना है ठीक hmm. है क्रिंज है तो फिर क्रिंज भी तो फील ही हो रहा है ना hmm. कम से कम वो ब्लैंक एम्प्टीनेस से तो हट रहा है मेरे दिमाग ठीक है hmm. आजकल क्या देख रहे हो uh, आजकल अभी तो कल परसों हम दोनों ने जॉयलैंड देखी वे वो बहुत अच्छी लगी hmm. तो हाँ काफी काफी अच्छी आर्टिस्टिक नोरी बट यस आई वॉच अ लॉट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी

तो फिर हम दोनों को ऐसा नजर किया हम भी तो राइटर हैं या मतलब हम भी कुछ लिखते हैं hmm. तो हाँ होता है न मतलब जो सुनो जो देखो वो मन करता है hmm. अब ऐसे तो कितने सारे आर्टिस्ट लोग फैन आर्ट भी बनाते हैं hmm. तो फैन आर्ट बनता है यूट्यूब पर उसको टाइम मैप्स डालते हैं इंस्टाग्राम hmm. पे पिक्चर डालते हैं एंड दे गेट ह्यूमगस लाइक्स ऑन दैट ओनली उन्होंने उनको एक कैरेक्टर पसंद है वो बस उस कैरेक्टर को ड्रा कर देते हैं जैसे एक प्रसाद करके है

तो उसका ना एक इन्फ्लुएंस रहता है मेरे कलर पैलेट पे mm -hmm. तो ऐसे करते करते मतलब आई वॉन्ट से कि नहीं मैं किसी को नहीं देखती मैं देखती हूँ मुझे लर्निंग होता है hmm. जब हमने कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया तो मैंने ऑफन टाइम सबको देखा है कि आप पिंट्रस्ट का बहुत एक्सटेंसिव यूज करते हो पिंट्रस्ट hmm. Pinterest कैसे यूज करते हो कैसे उसको पूरी तरीके से निचोड़ा जा सकता है एज अ रिसोर्स या एज अज अ टूल कैसे यूज करते हैं तो सी द थिंग इज पे मोस्टली सब कुछ लिंक्ड होता है एक सेकंड सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं लेकिन मैं आपको मेरा अनुभव भी बता देता हूं पिन का hmm. जब मैं पिन यूज करता हूं तब मेरे को कुछ इमेजेस पसंद आते हैं उनको पिन कर लेता हूं hmm. फिर कुछ और विजुअल्स आते हैं उनको पिन करता हूं और hmm. फिर मैं डूब जाता हूं उसमें और फिर खो जाता हूं पिन की दुनिया में और मैं ऐट द एंड बहुत सारे पिन कर लेता हूं फिर और मेरे को सच्चाई ही फिर सच्चाई से थोड़ा सा मैं मतलब रियलिटी मतलब प्रेजेंट से थोड़ा दूर चला जाता तो हूँ मैं खो जाता हूँ प्रिंटरेस्ट में hey. तो प्रिंटरेस का यूज फुल में करना शुरू किया मैंने एंड द आइडिया इज टू जस्ट हैव अ लुक व्हाट अदर ब्रांड्स आर डूइंग जब आपको पता चलेगा कि ये अच्छा है ये बहुत अच्छा है uh -huh. तो आप खुद को पोजीशन कर पाओगे अच्छा hey. या फिर आपको आइडिया लगता है कि अच्छा ये हो रखा है

नहीं कुछ लोग तो प्लेजरिज्म ही करते हैं तो कोई करता है अगर मेरा कोई दोस्त कॉलेज में या तो मेरे को पता चल जाता है इतना हम स्टडी कर लेते हैं वहाँ पे अच्छा अच्छा आप कभी किसी ने कॉपी किया है? करते हैं बिना बताए कर देते हैं आइडियाज कॉपी कर लेते हैं ठीक है मतलब मेरा काम मतलब क्या ही बोल अब जैसे कई लोग हैं जो मेरे इलस्ट्रेशन की कॉपी करके एग्जैक्टली hmm. अपने सर में बता देते हैं बट फिर मुझे लगता है कि ठीक है आर्ट तो आर्ट है बट हाँ आई विल नॉट बी वेरी कम्फर्टेबल टेक्स माई आर्ट टू डेली एन आस्क डी टू मेक समथिंग सिमिलर नहीं मतलब वो तो, तो तुम्हें बिल्कुल शर्म ही नहीं है मतलब एकदम हाँ ख़ुद से कुछ बन नहीं रहा है तो दूसरों की कॉपी कर लो बट हाँ कोई जैसे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं मैं जब मैं पढ़ाती थी मैं सिखाती थी एक्चुअली

तो मैं कई सारे लोगों का काम देखती हूँ और मैं उससे सीखती हूँ तो वो भी है बट आई थिंक आई जस्ट स्टार्ट स्केचिंग मतलब मैं रेफरेंसिंग करती हूँ mm -hmm. और मैं स्केच करना शुरू कर देती हूँ mm -hmm. और टूल्स एज इन लाइक जस्ट टू क्रिएट आर्ट मैं भी ऐसे कहीं ऑन मतलब आई डोंट यूज़ एनी टूल के वो मेरे को विजुअलाइज करके दे दे mm -hmm. मैंने एक बार करा था डायरी से कुछ तो प्रॉब्लम दिया था

और जो मेरे को लगता है कि काफ़ी मंजे हुए आर्ट वर्कस आर्टिस्ट के कम्पेरेबल होता है तो उसके बारे में आपका क्या रहा है मतलब वो तो कितने सुंदर सुंदर बना देते हैं सिर्फ प्रॉम्स देखिए हाँ तो ठीक है ना कम से कम अपने ओरिजिनल प्रॉम्प्ट्स तो दे रहे हैं मतलब मैंने बोला ना कि कोई मेरा आर्ट को लेके चिपका के बोले कि ऐसा बना दो आई एम नॉट ओके विद दैट बट देन आई सॉ समबडी वो कुछ लोगों का ऐसा मास्क वगैरह पे वो ब्लू पॉटरी जैसे पैटर्न्स बना रहा था मुझे अच्छा लगा तो ठीक है 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 मतलब इमेजिनेशन चल रहा अच्छा बट ठीक है मैं ये बात तो समझ गया आप आपकी बात बातें तो और कई सारी है बात करने के लिए मन तो नहीं बचता है लेकिन समय के अभाव के कारण हमको आज ये कॉन्वर्सेशन यही समाप्त करना पड़ेगा बहुत ही मजा आया आपसे बात करके तनुजा और बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल रहा हमको कई सारे नई नई चीज़ें पता चली फ्रीलांसिंग के बारे में आर्ट के बारे में अप्लाइड आर्ट्स के बारे में और इन जनरल ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में थैंक यू सो मच हमारे लिसनर्स के लिए भी और थैंक यू सो मच तनुजा आपको भी आपका अनुभव साझा करने की भी ओके थैंक यू एवरीवन फॉर लिस्निंग एंड बाय बाय